बोला हुआ है इंडिया यानी कि भारत, और ये जो भारत नाम है ये हजारों सालों में सला हुआ है, इसीलिए भारत को कोई नया नाम देने का जरूरत नहीं है। हमारा ये देश भारत था, भारत है और भारत रहेगा। आपने बोला इंडिया अलायंस, तो इंडिया का साथ अगर अलायंस जोड़ देता है तो ए का मतलब क्या रह गया? सो कांग्रेस ने जो खोला है वो इंडिया अलायंस खोला है। इंडिया अलायंस बोलने से तो बाद में डबल अलायंस तो ए डबल हो गया, वो तो नहीं है। तो मतलब कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस है वो अपना जगह में है। लोग दुकानें खोलता है, दुकान बंद भी हो जाता है, वो दुकान खुला है, दुकान बंद भी हो जाएगा। लेकिन जो भारत है, भारत संद्र और शुरू जितना आपको लगता है ओल्ड है, जितना पुराना है, भारत भी इतना पुराना है, और भारत भी जब तक सान और सुरुज रहेगा भारत भी रहेगा। सीएम साहब, जयराम रमेश का कहना है कि ये राज्यों के संघ पर हमला है। देखिए, जयराम रमेश जी कोई राज्य का प्रवक्ता नहीं है। हर राज्य साथ है, हर भारत का जनता साथ है कि हमको भारत में नाम से हमारा परिषद हो देश में। जब देश अमृत काल का तरफ जा रहा है तो हमारा देश का नाम एक इंग्राज नाम क्यों होना चाहिए? भारतीय नाम होना चाहिए, भारतीय सबसे होना चाहिए। समय था स्वाधीनता का समय, वो एक अलग समय है, लेकिन अगर नाम भारत होता है जो है ऑलरेडी, उसमें जयराम रमेश जी का प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस पार्टी का क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा क्यों किया, इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं किया? अच्छा, जब आपको लगता है कि मेरा अभी दाल रोटी पकने वाला है तब आप नाम भारत जोड़ो ले लेता है, और जब आपको लगता है कि हमारा दाल रोटी पकने वाला नहीं है तब आप इंडिया हो जाते हैं। तो हमारा बात क्लियर है, हम भारत था, भारत है और भारत रहेगा। तो क्या सर, आपको लगता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये इंडिया शब्द को हटा देना? कॉन्स्टिट्यूशन में ही है इंडिया यानी कि भारत, मतलब जो मूल शब्द है वो तो भारत ही है ना। इंडिया यानी कि भारत मतलब क्या हुआ? मतलब इंडिया ब्रिटिश ने बोला था यानी कि भारत, तो मूल शब्द तो भारत ही है। मूल शब्द कभी तो वो, मेरा हिसाब से, मैं भी लॉ कुछ किया हूँ, मेरा हिसाब से हमारा संविधान का जो मूल नाम है, हमारा देश का जो मूल नाम है वो भारत ही है। लेकिन आप कभी फॉरेन में जाते हैं तो बोल दीजिए कि ये इंडिया है। सर, क्या कारण है कि विपक्ष को इतनी मिर्ची लगी हुई है? अरविंद केजरीवाल भी देखिए कह रहे हैं। विपक्ष का यही है, आप पहले विपक्ष तो ये षड्यंत्र कर रहा है कि हिंदू धर्म को ही मिटा दो, अभी ये भी पीछे पड़ गया भारत को ही मिटा दो। तो पहले वो लोग जाके राहुल गांधी जी से पूछे कि यात्रा का नाम इंडिया जोड़ो यात्रा नहीं रखा, भारत जोड़ो यात्रा क्यों रखा था? हमें भारत बोलने से वो लोग फड़फड़ा जाते हैं, लेकिन आपका जो युवराज भारत बोलता है तब आपको कोई खुजली नहीं होता है? तो ये एक पूरा कांग्रेस पार्टी एक तो हिंदू का खिलाफ है और एक भारत का खिलाफ है। थैंक यू सर। Zini.